CIET NCERT के जरिए पेश है दूसरी जमात के लिए उर्दू की समई दर्सी किताब इब्तिदाई उर्दू। सबक 18 मुर्गा और लोमड़ी। किसी दरख्त की ऊंची शाख पर एक मुर्गा बैठा हुआ कुकड़ों कू कर रहा था। इत्तेफाक से एक लोमड़ी दरख्त के पास से गुजरी और कुकड़ों कू की आवाज सुनकर ऊपर देखने लगी। दरख्त पर मोटा ताजा मुर्गा नजर आया तो लोमड़ी के मुंह में पानी भर आया। सोचने लगी, शिकार तो बहुत अच्छा है, मगर इसे नीचे बुलाने की क्या तरकीब की जाए। थोड़ी देर सोचकर मुर्गे से बोली, कहो मियां मुर्गे, अच्छे तो हो? मेहरबानी है, सुनाओ तुम्हारा मिजाज कैसा है? तुम्हारी दुआ से हर तरह का आराम है। हाँ लो, मैं तो भूल ही गई थी, मैंने आज एक बहुत अच्छी खबर सुनी है, क्या तुम्हें कुछ मालूम है? कैसी खबर? मुझे तो कुछ मालूम नहीं। तुमने अभी तक ये खबर नहीं सुनी? जंगल के सभी जानवरों ने फैसला किया है कि आइंदा आपस में मिलजुल कर रहा करेंगे, इसलिए अब तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं। आओ इस दरख्त की ठंडी छांव में बैठकर कुछ देर बातें करें। खबर तो बहुत अच्छी है, मगर वो देखो सामने कौन आ रहा है। कौन है? वो शिकारी कुत्ते हैं। अच्छा हुआ ये भी आ गए, अब सब मिलकर बात करेंगे। बील लोमड़ी, भागने क्यों लगी? आखिर ऐसी भी क्या जल्दी है, जरा देर ठहरो, मैं नीचे आता हूँ। लो वो कुत्ते भी आ गए, अब हमें एक दूसरे से डरने की क्या जरूरत है, आओ बैठकर बातें करें। नहीं नहीं, हो सकता है इन कुत्तों ने भी तुम्हारी तरह ये खबर ना सुनी हो। अच्छा मैं फिर किसी वक्त आऊंगी, खुदा हाफिज। ये कहकर लोमड़ी ये जा वो जा। मश्क, पढ़िए और समझिए। दरख्त, पेड़, शाख, टहनी, तरकीब, तरीका, सटपटाना, घबराना, परेशान होना। इन सवालों के जवाब दीजिए। सवाल नंबर 1, मुर्गा कहाँ बैठा था? सवाल नंबर 2, दरख्त के पास से कौन गुजरा? सवाल नंबर 3, लोमड़ी के मुंह में पानी क्यों भराया? सवाल नंबर 4, लोमड़ी ने मुर्गे को क्या खबर सुनाई? सवाल नंबर 5, मुर्गे ने लोमड़ी को कैसे डराया? आपको जो कहानी याद हो उसे अपने साथियों को सुनाइए। इसी के साथ ये सबक यहीं पर खत्म हुआ। अकादमिक समन्वय प्रोफेसर मोहम्मद मुअज्जमुद्दीन। समय रिकॉर्डिस्ट बटिलैंग लिंगडो। समय फनकार परवेज गौहर और शिमायला परवेज। एडिटिंग हिदायतकार और तख्लीककार विमलेश चौधरी। पेशकर्दा CIET NCERT नई दिल्ली भारत।